हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब सूचना में। दोस्तों, DSSSB की तरफ से आज बहुत ही महत्वपूर्ण 5 नए नोटिस जारी किए गए हैं, जिसमें PRT और TGT के फर्स्ट रिकॉल नोटिस भी शामिल है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए EDOJER फिल करने के लिए दिया हुआ है, तो आप भी देख लीजिए कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। तभी की चर्चा हम इस वीडियो में करने वाले हैं, तो आप वीडियो को शुरू से एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे कोई भी डिटेल आपसे न छूटे। और आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, जिससे कि ऑल इंडिया टीचिंग से जुड़ी हुई हर अपडेट आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। जो पहला जो नोटिस है हमारा, वो है असिस्टेंट टीचर नर्सरी, पोस्ट कोड है 43/21। तो ये हमारा फर्स्ट रिकॉल नोटिस है। यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए हैं और डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड दिए हुए हैं। टोटल 74 कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं और सामने डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं कि क्या क्या इनको अपलोड करना है। इनको अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो 14 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 के बीच में अपलोड करने हैं, तो आप इस बीच में आपके EDOJER अपलोड कर दीजिए। देख लेते हैं अगला नोटिस। अगला नोटिस हमारा पोस्ट ऑफ TGT उर्दू मेल, पोस्ट कोड है 52/21। और ये भी हमारा फर्स्ट रोल नोटिस है। यहाँ पर रोल नंबर दिए हुए हैं और सामने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स दिए हुए हैं। तो यहाँ पर टोटल हमारे 14 कैंडिडेट हैं जिनको EDOJER अपलोड करना है, और ये सेकंड अपॉर्चुनिटी दी है इनको। इनको अपना EDOJER अपलोड करना है 14 मार्च से 23 मार्च 2022 के बीच में, तो आपका ये सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी है EDOJER अपलोड करने के लिए। अभी भी आप अपना EDOJER अपलोड नहीं करेंगे तो आपका जो सिलेक्शन है कैंसिल कर दिया जाएगा। अगला नोटिस हमारा PGT मैथ्स मेल, पोस्ट कोड है हमारा 28/20। और ये भी हमारा EDOJER फिल करने के रिगार्डिंग है। 2 कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर दिए हुए हैं और सामने इनको जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं वो दिए हुए हैं। ये इनको सेकंड और फाइनल अपॉर्चुनिटी दी गई है EDOJER अपलोड करने के लिए। 14 मार्च 2022 से 18 मार्च 2022 के बीच में इनको अपना EDOJER अपलोड करना है। बाकी डिटेल आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगला जो नोटिस है वो हमारे कोरिजुंडम जारी किया गया है, Grade 2 दास, पोस्ट कोड 81/17। और यहाँ पर रिजल्ट में कुछ चेंज किए गए हैं। द रिवाइज डिटेल ऑफ वेटिंग लिस्ट कैंडिडेट फ्रॉम OBC WL 326 आर एज फॉलोज। तो यहाँ पर कुछ चेंजिंग किए गए हैं। एक जो कैंडिडेट है वो वेटिंग लिस्ट में अब नहीं है, क्योंकि उसने शायद एग्जाम नहीं दिया था, तो यहाँ पे इसको डिलीट कर दिया गया है। बाकी 4 कैंडिडेट के यहाँ पे रोल नंबर दिए हैं, आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये रिवाइज वेटिंग लिस्ट है और बाकी जो रिजल्ट है वो सेम है। तो दोस्तों, ये हमारी आज की DSSSB की तरफ से आई हुई लेटेस्ट अपडेट थी। जैसे ही कोई और अपडेट आती है हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।